हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो कर्नाटक के किन्हीं 7 सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में होने वाला है। कर्नाटक यूं तो खान पान, भाषा और पहनावे के मामले में काफी यूनिक है, लेकिन सबसे अलग इसको यहां की जगहें और अट्रैक्शंस भी बनाते हैं। कर्नाटक में समतल जमीन, पहाड़ी, समुद्र, नदियां, सारी चीजों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आज आप कुछ ऐसे ही कर्नाटक की 7 सबसे बेस्ट जगहों के बारे में जानने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और निकलते हैं कर्नाटक के सफर पर। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद है मंगलोर। हाँ, ये शहर कर्नाटक के समुद्र तट पर बसा अनोखा शहर है। यहाँ का लजीज सी फूड ट्राई करना, यहाँ का प्यारा सनसेट देखना और सनबाथ लेना यहाँ आने वाले लोगों को बेहद ज्यादा पसंद आते हैं। यहाँ कादरी मंजुनाथ टेंपल, कादरी हिल, पबनपुर बीच, कुंदरौली गोजरनाथ टेंपल जैसी जगहों में काफी लोग आते हैं। कुछ लोग इसे गेटवे ऑफ कर्नाटक भी मानते हैं। लोग यहाँ आकर बाकी कर्नाटक में आसानी से घूम पाते हैं। 6th नंबर पर हमारी लिस्ट में है जोग फॉल्स। अब जिनको हरियाली, सुंदर व्यू पॉइंट्स और ग्रीनरी पसंद आती है, उसके लिए तो ये जगह एकदम मस्त है। ये जगह सुकून तलाशने वाले लोगों के लिए परफेक्ट है। जोग वाटरफॉल्स को भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। यह आसपास 2 डैम्स भी मौजूद हैं, जो अपने आप में बड़ी अट्रैक्शन माने जाते हैं। इसके अलावा इसके पास ही थावरे कोपा लाइन एंड टाइगर रिजर्व भी काफी फेमस है। 5वें नंबर पर हमारी लिस्ट में काबिनी नाम से जगह है। ये जगह काबिनी नदी के किनारे पर ही मौजूद है, जो कर्नाटक टूरिज्म बोर्ड के द्वारा खुद भी प्रमोट किया जाता है। ये जगह बोट राइडर्स की पसंदीदा जगह मानी जाती है। इसके अलावा पिक्चर्स की सीनरी और काबिनी डैम भी यह घूमने लायक जगह है। कुत्ता नाम से यहाँ एक इंटरेस्टिंग जगह है, जहाँ कॉफी और मसालों की जबरदस्त प्लांटेशन देखने को मिलती है। 4th नंबर पर हमारी लिस्ट में मौजूद है पताड़काल, जो नॉर्दर्न कर्नाटक में हिंदू और जैन मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के किनारे बनाए गए। एहोल और बादामी यहां ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो दुनिया भर में मशहूर माने जाते हैं। यूनेस्को ने भी इसे आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल आर्ट माना है। इन मंदिरों में वेदों, पुराणों के कॉन्सेप्ट डिपिक्ट किए गए हैं, साथ ही रामायण महाभारत से जुड़ी कहानियों को यहां इंग्रेव किया गया है। 3rd नंबर पर हमारी लिस्ट में मौजूद है बेहद ही मशहूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसे अक्सर लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी में 500 से ज्यादा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो विजयनगर अम्पायर के स्वर्णिम इतिहास का जीता जागता सबूत माना जाता है। यहाँ का वीरूपक्ष टेम्पल और विताल टेम्पल आर्किटेक्चरल मार्वल माने जाते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर, म्यूजियम और रिवर साइड रुइंस काफी सुंदर है और यूनिक भी। हर साल लाखों भारतीय और विदेशी इस जगह को घूमने आते हैं। इतिहास और कला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यहाँ एक बार जरूर घूमना चाहिए। 2nd नंबर पर बेहद ही सुंदर पिक्चर्स की लोकेशन कूर्ग मौजूद है, जो आपने अक्सर पुरानी वॉलपेपर्स और फोटोज में देखा होगा। कूर्ग के बारे में कई कहानियां किस्से किताबों में भी मिल जाते हैं। इसको लोग अक्सर भारत के स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां हरी भरी वादियां, पहाड़ियां, झरने, नदियां और कॉफी के बेहद ही सुंदर बागान इसे अलग बनाते हैं। यहां के झरने इसे एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग यहां सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। यहां नागरहोल नेशनल पार्क में जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा बायला कुप्पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी तिब्बतन मोनेस्ट्री है और यहां दोबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को भी देख सकते हैं। 1st नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद किए गए शहरों में से एक, भारत का सिलिकॉन वैली और तकनीक के मामले में सबसे आगे माने जाने वाला शहर बेंगलोर है, जो कर्नाटक की राजधानी के तौर पर भी काम करता है। यहाँ पर आपको शहर और लोकल कर्नाटक का ब्लेंड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर से लेकर खेत खलिहान, हर तरह के इंडियन टेस्ट का खाना कर्नाटक के बीचों बीच मिल जाता है। ये जगह विभिन्न संस्कृतियों और देशों के लोगों ने मिलकर बनाया है, क्योंकि शहर में बहुत से विदेशी और भारत के विभिन्न कोनों से आए लोग बसते हैं। आपको ये शहर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एक्सप्लोर वायरस के साथ।